लेते हैं गोहाना से बड़ी खबर की। तो गोहाना में ताबड़तोड़ फायरिंग का एक मामला सामने आया है। एसआईटी को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि वारदात में इस्तेमाल जो वाहन है, जो बाइक है, वो भी बरामद हुए हैं। तो गोहाना में फायरिंग का ये मामला सामने आया था और इस पूरे मामले पर अब 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि फायरिंग के बाद से व्यापारी वर्ग में नाराजगी देखने को मिली थी। दरअसल माथुराम हलवाई के दुकान के सामने यहाँ पर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी और कई तरह से यहाँ पर धमकी देने की कोशिश की गई थी। कुछ चिट्ठी भी वहाँ पर वो छोड़कर गए थे। वहीं दूसरी तरफ लगातार पुलिस एक्शन मोड में थी और अब 6 आरोपी पकड़े गए हैं। तो वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। तो एसआईटी को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 आरोपी पकड़े गए हैं। गोहाना फायरिंग का ये पूरा मामला है तो बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। पुलिस ने कई टीम गठित की थी जो लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे गोहाना से सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक तरह से देखा जाए तो व्यापारी वर्ग की नाराजगी के बाद अब एसआईटी ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और सफलता भी मिली है एसआईटी को। आरोपी पकड़े गए हैं, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है देर रात 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तीनों पकड़े गए आरोपी जो दीपक, दिनेश और एक दीपिन नाम के हैं, ये तीनों इस पूरे मामले में पुलिस जो है आज इनको अदालत में पेश करेगी। इस पूरे मामले में जो है उच्च अधिकारी जो है कॉन्फ्रेंस भी कर जानकारी देंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, जो पकड़े गए आरोपी है ये इस घटना में किस तरीके से शामिल थे। और इसमें इतना भी पता सामने इतनी बात भी सामने आई कि जो इस घटना में जो भातुराम के यहाँ जो फायरिंग हुई थी उसके बाहर उस घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को भी पुलिस ने जो है बरामद कर लिया है। कहीं ना कहीं बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 21 जनवरी की सुबह जो है भातुराम की दुकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, उसके बाद से जो है व्यापारियों में नाराजगी भी जाहिर देखी गई थी। और इसके बाद 30 जनवरी को जो है पूरा गोहाना बंद रखा था, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, उससे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब जो है ये जो पकड़े गए आरोपी हैं इन तीनों आरोपियों को जो है पुलिस आज अदालत में पेश करेगी और मामले का खुलासा भी उच्च अधिकारी करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में इनकी क्या कमिता थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है, राहत की खबर भी है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब जो है गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई है। तो बड़ा क्या खुलासा सामने आता है ये अधिकारी जब इस पूरे मामले में जानकारी देंगे तो पता लग पाएगा। जी बिल्कुल, और डरा धमकाकर इन्होंने फिरौती भी मांगी थी और काफी समय से नजर बनाए हुए थे। तो अब पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या कुछ मकसद था फायरिंग के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए सुनील, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।